गाइस, आप लोग भी मात्र 15 दिन में अपने लटके हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं, अपने साइड फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने इंचेस को लूज करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, आज की मेरी बताई हुई सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए और उसके बाद रिजल्ट इतना अच्छा होगा, इतना विजिबल होगा कि आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद अपना बेहतरीन सा और इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस वीडियो को कर दीजिएगा जमकर शेयर, बॉयज एंड गर्ल्स, छोटे बच्चे, ज्यादा उम्र के लोग सारी मेरी एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए, देरी किस बात की, साथ साथ शुरू हो जाइए। ये मत सोचना वीडियो एंड होगा तब करूंगा तब करूंगी, ऐसा टाइम कभी आता ही नहीं। तो फटाफट से लग जाओ और शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको इसके लिए जरूरत है एक मैट की या कोई भी दरी की, ठीक है। उसके बाद आप अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए। उसके बाद आप मैट पर बिल्कुल सीधा लेट जाइए। लेटने के बाद आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करना है ताकि आपकी कोई कमर में झटका ना आए। इस तरीके से आप करिए, टांगों को बिल्कुल सीधा करिए और अपने लेग्स को प्रॉपर ऊपर लेके जाइए, घुटने सीधे, देन डाउन। मैट से आपने कुछ दूरी बनाकर रखनी है, जितना डिस्टेंस मैंने रखा हुआ है इतना डिस्टेंस आपने मेंटेन करके रखना है। और जब आप मेंटेन करेंगे तो कुछ सेकंड्स का, यानी 2-3 सेकंड का आपने होल्ड रखना है, जिससे कि आपकी मसल्स वहां की खींचेंगी और आपका टमी पे ज्यादा लोड आएगा और वहां का फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान जरूर देना है और कोई भी एक्सरसाइज आपने बहुत जल्दबाजी में नहीं करनी। इसके आपको करने हैं 15 रैप्स और 15 रैप्स के करने हैं आपको 4 सेट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं प्लैंक, और इसके साथ आपने ध्यान देना है कि जब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन ही करना चाहते हैं, तो बढ़िया तरीके से मेंटेन करना, जिसके लिए आपको गर्मियों में फ्रिज का पानी नहीं पीना, घड़े का पियो या फिर नॉर्मल पानी पियो, तो आपका अपने आप बॉडी वेट कंट्रोल होगा और हो सके तो दिन में 2-3 बार गर्म पानी पियो, ठीक है। तो चलो, आपको अपनी बॉडी को 90 डिग्री में रखना है, अपने हेड को आगे रखना है और ये आपके प्रॉपर कोर मसल पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगा। कम से कम मिनिमम आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर इसको इंक्रीज करके ग्रेजुअली 1 मिनट तक लेके जाना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, अपनी बॉडी को ऐसे आगे करना है, घुटनों को छाती से ज्वाइन करना है और जब हम अपनी लेग्स को आगे लेके जाएंगे तो अपनी बॉडी को पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके करने हैं आपको 15 रैप्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट। तो चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को, यानी अपनी जो हाफ बाजू है, इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, ठीक है। हाफ बॉडी को ऐसे, अपर बॉडी को बेंड रखना है और आपने अपने लेग्स को अप डाउन, ठीक है। लेकिन अप डाउन करते टाइम आपने सांस खींचना है, अपने इस कोर मसल को, यानी पेट को अंदर स्क्वीज करना है, सक करना है,
ठीक है, जितना आप अपने कोर मसल को एंगेज करोगे, मेन सारा जो खेल होता है वो कोर मसल का ही होता है, तो आपने हर एक्सरसाइज में ध्यान देना है कि आपके पेट पर उसका लोड आएगा। ठीक है, ऐसे बस रैप्स पूरे करने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो ऐसे ही रहोगे गुब्बारे जैसे। अगर कम होना है तो उसके लिए आपको अपने पेट की तरफ ध्यान देना है, ना कि काउंटिंग की तरफ कि आपका पेट कितना दब रहा है, कितना प्रेशर आ रहा है, तभी वहां का लोड कम होगा। ठीक है, तो चलिए फॉलो करते हैं। पेट को अंदर बिल्कुल पिचका के रखिए। इसके करने हैं आपको 15 रैप और इसके करने हैं आपको 4 सेट। रिलैक्स, देन यहाँ पे आपका पूरा वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो प्लीज अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मुझे कमेंट जरूर करना कि आपके पेट पे इसका क्या रिजल्ट रहा, कितना पेन हो रहा है। स्टार्टिंग में पेन होगा, डोंट वरी, बहुत पॉजिटिव पेन है, हो सकता है 3-4 दिन तक रहे। मसल्स आपकी आपको लगेंगे खिंच रही हैं, या कुछ मेहनत करोगे तभी तो खिंचेगा ना। खाली बैठे रहोगे घर पे तो कैसे आपको पेन होगा, पता कैसे चलेगा कि कहाँ पेन होता है, क्या होता है। अपने आप से प्यार करो, टाइट कपड़े पहनो ताकि आपकी बॉडी का आपको पता लगे कितनी फैल रही है और उसको कंट्रोल करना है। बहुत सारा प्यार देते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।